मिस्टर परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है कि मुझे हर चीज आती है, गलतियां भी इंसान से होती हैं। मैंने इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में वाकया पढ़ा, बड़ा मजा आया। उनके पास एक देहाती औरत गई, आपने ये वाक्य पढ़े होंगे लेकिन मैं अपने याद दहानी के लिए रिपीट कर देता होता हूँ। उसने अभी मसला पूछा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कहते हैं लादरी, मुझे नहीं पता। उसने दूसरा पूछा, उन्होंने कहा लादरी। उन्होंने तीसरा पूछा, वो कहते हैं लादरी। उसकी जेनी से पैसी नहीं थी, बताना नहीं चाहते थे या वाकई नहीं पता था, अल्लाह जानता है या वो जानते होंगे। उन्होंने तीन चार मरतबा कहा ला अदरी ला अदरी ला अदरी। तो औरत जिलाकर बोली कि आप काहे के फकीर हैं, आपसे अच्छा तो हमारे मोहल्ले का मौलवी है, उसे हर मसले का हल आता है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि मेरे पास अभी 1000 ला अदरी और मौजूद है। वक्त गुजर गया, 1000 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, इमाम अबू हनीफा के इल्म और फजल का डंका आज भी बजता है। और उन मौलवी साहब को जिन्हें हर मसले का हल आता था उनका नाम भी किसी को पता नहीं। तो ना इल्म होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे मान लेना जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गलतियाँ भी हो जाती हैं। मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गया, अभी भी आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोग क्योंकि अरबी का उर्दू का तलफ़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मैं आम से जबान में सादा जबान में बात करता हूँ, कई गलतियाँ भी हो जाती होंगी। तो मैं वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, इंग्लिश डिपार्टमेंट था, तो मैंने कोई लफ्ज़ बोला जिससे इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं थी। स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया, कहता कि सर ये लफ्ज़ ऐसे नहीं आते हैं। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैंने जैसे उसने कहा था उस तरीके से प्रोनाउंस किया, और उसके बाद क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। फिर मैंने क्लास से कहा कि एक बात याद रखिएगा कि मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ाने नहीं ये करवाने आया हूँ, तो फोकस इंग्लिश की बजाय इस चीज़ पर रखे जो मैं करवा रहा हूँ। गलती हो जाती है ना, तो वापसी भी हो सकती है, तो उस गलती को मान लेना बेहतर है आ जाने की बजाय। फिर ऑडियंस को साथ ही उस मकसद के ऊपर ले आए जिस मकसद के लिए ऑडियंस को इकट्ठा किया गया है।